बेटा हमने इतनी बार बात की है, तुमने कुछ कहा ही नहीं मुझसे। मैं उसे समझाती ना तुम्हारे लिए। आंटी मैं फैसला कर चुकी हूँ और अपना फैसला हमजा को भी सुना चुकी हूँ। मैं हमजा से शादी नहीं कर सकती। नहीं नहीं बेटा, ये फैसला मत करो, दिस विल बी रॉन्ग। हमजा ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। मैं जानती हूँ कि तुम गुस्से में हो, लेकिन दिस इज नॉट सोल्यूशन, ये हल नहीं है। मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी, ऐसे आइंदा कभी नहीं करेगा। प्लीज अपना फैसला बदल दो बेटा। तो और क्या हल है आंटी? मैं उसकी जिद, उसकी बदतमीजी कब तक बर्दाश्त करूं? आप जानती हैं उसे जब मेरी कलाई पकड़ी थी तो कितनी जोर से दबाई, मेरा बाजू पकड़ के मुझे झंझोड़ा, इतनी जोर से मुझ पर चीखा, मैं तो सहम गई। मुझे तो समझ नहीं आया कि ये मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है। ये तो वो हमजा ही नहीं है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। आ लेने दो उसे वापस, मैं और अम्मा उससे बात करेंगे। नवाज देखो जो भी बात है वो हम सब मिलके हल करेंगे। तुम इतना बड़ा फैसला अभी नहीं लो। किधर गए वो? तुम्हें नहीं बताया उसने? वो 2-3 महीने के लिए कनाडा गया है, उसके बिजनेस के कुछ लीगल प्रॉब्लम्स चल रहे थे। मुझे लगा कि शायद वो तुमसे मिलके गया होगा। ना उसने मुझे बताया कि वो जा रहा है, ना वो मुझसे मिलके गया। ये देखे ना मामा, ये तो हाल है हमजा का। वो आए वापस तो आप उसे दो टोक बात करें, इस तरह नहीं चलेगा। उसे इस रिश्ते को इज्जत देनी पड़ेगी। नवाल तुम फिक्र नहीं करो, मैं और मामा तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। आने दो से वापस, मैं बड़ी सख्ती से उसे बात करूंगी। तुम परेशान मत हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ।